राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 किए प्रदान। कहा, भारत ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की। सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार, डिजिटल पहलों को प्रोत्साहन और सम्मान देना है डिजिटल इंडिया पुरस्कार का मकसद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक रूप से किया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस शिविर में इस साल देश भर से एनसीसी के 2155 कैडेट हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को किया संबोधित। कहा, झारखंड में आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले सक्रिय, राज्य सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का लगाया आरोप। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा निशाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में दरार से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा, लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता, मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए रिपब्लिकन केविन मैकार्थी। पंद्रहवें दौर की मतदान के बाद हुई घोषणा। राष्ट्रपति बाइडेन ने मैकार्थी को दी बधाई। कहा, वे रिपब्लिकन के साथ काम करने के लिए तैयार। और खेल की खबरों में, भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें हैं 1-1 की बराबरी पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूरमा त्यागी, लेंगे समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किया। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार, डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करता है। डीआईए 2022 का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करना है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोरोना काल में हमारे सक्रिय तकनीकी हस्तक्षेप ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में हमारी मदद की है। In the face of pandemic, our proactive technological interventions help us in pandemic management and ensured operational continuity of important government services. As a result, India has emerged as an important country using technology for a resilient economy and people-centric governance. Indeed, India's success in this direction, especially during the pandemic, has been exemplary and beneficial for the rest of the world too. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की है। I am confident that India is setting the right example of ensuring the inclusion of vulnerable and marginalized sections of society, strengthening economic, social and cultural rights in our journey towards digital antyodaya. दिल्ली के विज्ञान भवन में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के वितरण समारोह के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज 4G और 5G जैसी तकनीक देश के हर नागरिक के पास पहुंच रही है। टेलीकॉम कनेक्टिविटी 4G और 5G देश के हर कोने कोने में पहुंचे, इसके लिए अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब करीब 52,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर चुके हैं, जिससे कि देश भर में हर दूर दराज के गांव तक 4G और 5G की कनेक्टिविटी पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 के स्थान पर है और बड़ी मात्रा में भारत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 7-8 वर्षों के अंदर अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग आज एक इस लेवल पे आ गई कि विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की तरह भारत आज मोबाइल फोन के क्षेत्र में उभरा है। इसी तरह से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में अगले 2-3 वर्षों के अंदर अंदर
भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बनके उभरेगा, उस दिशा में काम चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति को पूर्व एनसीसी कैडेट के रूप में सदस्यता कार्ड प्रदान किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी में नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है। पेशा हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की यह खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर पहुंचे, जहां उन्हें एनसीसी के तीनों स्कंदों और छात्रा कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उपराष्ट्रपति ने गार्ड का निरीक्षण किया। उपराष्ट्रपति के संबोधन के साथ ही एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कैडेटों से जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में एनसीसी कैडेट्स की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स ने अनेकता में एकता का परिचय दिया है। बॉयज एंड गर्ल्स, एज एनसीसी कैडेट्स, यू रिप्रेजेंट इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द एनसीसी ओवर द इयर्स हैज क्रिएटेड अ ट्रूली वाइब्रेंट एंड डाइवर्स कैडर ऑफ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन्ड यूथ who are doing excellent work in all walks of life. NCC creates awareness amongst youth about the diverse heritage of our country and fosters national integration despite linguistic, cultural, religious and geographical barriers. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, एनसीसी में नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है। In the NCC, there is organic development of ethics and social values, the spirit of unity and value of personal sacrifice. In our diverse country, NCC camps and group activities generate a feeling of appreciation of each other's uniqueness and cultivate friendship that is everlasting. NCC can be described as a nation's disciplined, trained and motivated youth force available for national cause and service to provide assistance anywhere and everywhere. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने फ्लैग एरिया में कैडेट्स द्वारा तैयार कलाकृतियों को देखा और उसके बाद उन्होंने एनसीसी के हॉल ऑफ फेम का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन की भी जानकारी ली और इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पूर्व एनसीसी कैडेट्स के तौर पर एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन के सदस्य का एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने सदस्यता कार्ड भी प्रदान किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने उपराष्ट्रपति के समक्ष रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप 2023 का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने एनसीसी में बिताए दिनों को भी याद किया और उन्होंने कैडेटों का हौसला बढ़ाया। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में यहां की सरकार ने जनजातीय समाज और राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर पिछड़ों और जनजातीय समाज को अनदेखा करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। हमने तो 15 साल तक ढेर सारे काम किए थे, मगर इस सरकार ने झूठ बोलना, बार बार बोलना और माइक में बोलना, ये सूत्र को अपना लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने के अलावे कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस सरकार इतने सालों तक रही, संविधान बना तब से अब तक कभी भी कोई जनजातीय भाई या बहन देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ने संथाल की गरीब बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित माता सर्वमंगला मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली सरकार ने रोजगार बजट की घोषणा की थी जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आउटकम बजट में आज की तारीख में इस पर कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल की सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है, काम नहीं। एक साल होने को आए, 80,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए, 250 करोड़ रुपए फेस्टिवल के लिए, 100 करोड़ रुपए मार्केट के लिए, और किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट, डबल एक्सेल शर्ट पहन पहन के हर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया अरविंद केजरीवाल जी का, कि पूरी दिल्ली का चेहरा बदल जाए। करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन दिए गए, मगर जमीन पे जो आउटले आया है, जो आउटकम आया है, वो सुन बटे नील सन्नाटा है, जीरो आउटकम। बोल बचन, काम कच्चन, केवल बड़े बड़े बोल हैं, काम बिल्कुल कच्चन है, कोई काम ही नहीं। लॉट ऑफ साउंड, नथिंग ऑन ग्राउंड। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए आउटकम बजट में बिजली भी बिग टिकट अनाउंसमेंट्स थी, उनमें से किसी पर भी जमीन पर अब तक काम नहीं हुआ। कम समय के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नॉन परफॉर्मेंस को और उनके एडवर्टाइजमेंट और नौटंकी की राजनीति को आपके सामने रखना है। अरविंद केजरीवाल जी के सरकार को लगभग 8 वर्ष दिल्ली में पूरे हो चुके हैं, तो ये जो आउटकम एनालिसिस बजट का अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का रहा है, यह वो पोथी है जिसे मैं दिखा रहा था। और आपको आश्चर्य होगा कि अधिकांश काम जो बिग टिकट अनाउंसमेंट्स अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उसमें किसी प्रकार की आज सूची में कोई भी जमीन पे उतरता हुआ विषय दिख नहीं रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि तलचर उर्वरक परियोजना भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र होगा। उन्होंने कहा, संयंत्र को समय पर चालू करने के लिए सभी हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 4 नए यूरिया उत्पादन संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं और अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले तलचर संयंत्र के साथ भारत की यूरिया की आयात निर्भरता में काफी कमी आएगी। तलचर में आत्मनिर्भर भारत एनर्जी सेक्टर में करने के लिए देश का सबसे बड़ा और पहला कोल गैसिफिकेशन बेज यूरिया प्लांट का काम चल रहा है। काम आने वाले दिनों में गति से चले, देश यूरिया सेक्टर में आत्मनिर्भर बने, देश की अपनी संपदा ऐसे कोल, उसका ही उपयोग करके उसमें से गैस का निर्माण करके यूरिया बनाया जाए, उस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने तालचर में कोल गैसिफिकेशन प्लांट का शिलान्यास किया था। काम गति से चल रहा है और अक्टूबर 2024 के पहले ये देश को समर्पित हो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले के जोशीमठ पहुंचकर जमीन धंसने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। इस बीच जोशीमठ में राहत कार्य जोरों पर है। जमीन धंसने के कारणों की पड़ताल के लिए 8 सदस्यों का विशेषज्ञ दल 2 दिन से जोशीमठ में है। इससे पहले राज्य सरकार ने जोशीमठ में खतरे वाले क्षेत्र से लोगों को तुरंत हटाने के आदेश दिए थे। इसके लिए राज्य सरकार एक सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास केंद्र बना रही है। जोशीमठ में आपदा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सर्वेक्षण कार्य पूरा करने और प्रभावित लोगों को वैकल्पिक स्थान पर ले जाने के लिए वार्ड स्तर पर सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ में पानी के रिसाव से काफी घरों में दरारें आई हैं। उन्होंने कहा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है।
हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है, महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। एयर इंडिया की उड़ान में महिला सहयात्री पर कथित तौर पर बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया है। आरोपी शंकर मिश्रा ने पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान के बिजनेस क्लास में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस को तकनीकी निगरानी के जरिए यह पता चला था कि आरोपी शंकर मिश्रा बेंगलुरु में है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला की ओर से एयर इंडिया को दी गई शिकायत के आधार पर 4 जनवरी को मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के लिए प्रवासी भारतीयों का इंदौर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मालवी परंपरा में पगड़ी पहनाकर प्रवासी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। आमंत्रित प्रवासी भारतीयों का स्वागत इंदौर एयरपोर्ट पर तिलक लगाकर और माला और अंगवस्त्र पहनाकर किए जाने की तैयारी है। एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां मेहमानों को उनके ठहरने, वाहन आदि की जानकारी दी जा रही है। इंदौर पहुंचने वाले प्रवासियों के स्वागत की तैयारी इंदौर ने की है, और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, तो ये एक डेस्क है जहां पर आप देख सकते हैं हल्दी, कुमकुम, फूल, मालाएं, अंगवस्त्र एक पूरे तैयार रहे हैं। और जैसे ही प्रवासी यहां पर अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, उनको उनके स्वागत जो है वो तिलक लगाकर, फूल मालाएं पहनाकर, अंगवस्त्र पहनाकर किया जा रहा है हेल्प डेस्क पर। और ये स्वागत डेस्क पर कैसे स्वागत किया जा रहा है? तिलक लगा के और मालाएं पहना के और वो जो चुन्नी है उससे। क्या उत्साह लोगों में दिख रहा है जो यहाँ पहुँच रहे हैं? सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं यहाँ पे जाके, खुश भी हैं इस बार, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो लोग उत्साहित हैं, और एक डेस्क है जहां पर सबसे पहले ये स्वागत होगा, यहीं से प्रवासी आएंगे और सबसे पहले यहीं मालाएं उनको पहनाई जाएंगी। और जैसे ही वो यहाँ आएंगे तो हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाई गई है। हेल्प डेस्क पे यहाँ पर जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो उनका हुआ होगा, उनकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, उन डिटेल्स के हिसाब से उनके अकोमोडेशन का, उनके रास्ते का, पूरा गाड़ी का इंतजाम जो है वो हेल्प डेस्क कर रही है। किस तरीके से क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, और ये हेल्प डेस्क किस तरीके से काम करता है? मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हमें यहाँ डेपोट किया गया है। जो भी अतिथि आएंगे उनको यहाँ से पूरी जानकारी दी जाएगी कि यहाँ से उनका रूट क्या रहेगा, होटल क्या रहेगा, और यहाँ से किस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ तक पहुँचने के लिए। गाड़ियाँ बाहर एकदम रेडी हैं, और जैसे ही वो आ रहे हैं पूरी तरह हम मुस्तैद हैं, तैयार हैं और काम के लिए। जो भी अतिथि आएंगे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसका मध्य प्रदेश टूरिज्म की जो नोडल एजेंसी के रूप में दिया गया है काम, हम पूरा अपना काम अच्छी तरीके से। अतिथियों का आना शुरू हो चुका है? हाँ, अतिथियों का आना शुरू हो चुका है, एक फ्लाइट का आगमन हो चुका है। तो अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है, और ये हेल्प डेस्क है जहाँ पर जैसे ही लोग फ्लाइट से उतरने के बाद बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट पे लॉन्च में, और वहां पर ये बनाई गई है, यानी कि फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, अक्षत और रोली लगाकर उनको टीका लगाया जा रहा है, अंगवस्त्र पहनाया जा रहा है, और मालवा की जो एक स्वागत की परंपरा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इंदौर से गैर पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। इस बार भारत सरकार ने इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के लिए एक नई पहल की है, जिसके अंतर्गत प्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और खानपान से रूबरू कराने के लिए होम स्टे के रूप में नया प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसका नाम पधारो मारे देश रखा गया है। इस अनूठी प्रयोग के तहत प्रवासी भारतीयों को इंदौर के कुछ परिवार अपने घरों में रुकवा रहे हैं, उनकी जमकर खातिरदारी कर रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी तैयार की है। ये सेवा पूर्ण रूप से निशुल्क है। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए प्रवासी भारतीयों का आना शुरू हो चुका है, और सबसे खास बात इस सम्मेलन की इस बार इंदौर में यह है कि होम स्टे की व्यवस्था इंदौर में की गई है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए। और जो इंदौर के कुछ घर हैं वहां पर उनको रुकवाया जा रहा है, वहां वो ठहर रहे हैं, और पूरा आतिथ्य जो एक घर में होता है मेहमान का वैसा ही हो रहा है। हम एक घर में हैं, मुदगल जी का ये घर है, और मेहमान आ चुके हैं घर में,
में, घर एकदम तैयार है और स्वागत के लिए पूरी तैयारियां थी। और उसके बाद पूरा घर में जब मेहमान पहुंचे तो पूरा जो स्वागत होता है एक मेहमान का वो हुआ। और फिलहाल लंच चल रहा है ऐसा लग रहा है। ये जानते हैं मेहमान कौन है पहले तो, और कितने खुश हैं, क्या ये जो नई व्यवस्था होम स्टे की इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर की गई है वो कितनी बेहतर है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो यही स्वागत है आपका हमारे भारत में एक बार फिर। ये पहली बार देखा गया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो लोग आमतौर पर देखा जाता है कि होटल या दूसरी जगहों पर रुकते हैं, इस बार घर है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो घर तो घर है, होटल तो होटल है, डिफरेंट तो होना ही चाहिए। यहाँ पे लगता है कि अपना ही परिवार है, लगता नहीं है कि घर पे घर छोड़कर आए हैं, लगता है अपना ही घर है। अप्रवासी कहा जाता था लेकिन उसके बाद अटल बिहारी जी ने उसको नाम बदला कि प्रवासी कहा जाए। वो जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन, खासकर आप जैसे लोग जो दूसरे देशों में हैं और भारत से उनका जुड़ाव है, कितना जोड़ता है? देखो ये ऐसा लगता है कि हम सब अपने हैं, हमको लगता नहीं कि हम भारत से अलग हैं। भारत में तो सब कुछ ही अच्छा है, यहाँ पे यहाँ की संस्कृति जो है सब देशों से अलग है। घर के होस्ट हैं, उनसे भी जानते हैं कैसे स्वागत की तैयारियां थीं। फिलहाल तो लंच चल रहा है और बड़ा सात्विक मेन्यू है आज। सर कितना बड़ा उत्साह, घर में मेहमान आए हैं, विदेशी मेहमान आए? देखिए यह कहते हुए बड़ा हर्ष है, विगत 8 दिनों से हम लोग पूरी तैयारियों में थे। परिवार में जैसे एक शादी का माहौल होता है या दीपावली मनाते हैं उसी तरीके से हम लोगों ने तैयारियां की थी, वो पूरे परिवार में ऐसे महिलाओं में विशेष रूप से इसमें उत्साह था कि आज हम आ रहे हैं उनका कैसे वेलकम कर सकें। और आज सुबह हम 8 बजे से जब एयरपोर्ट पहुँचे और वहाँ से जब क्योंकि 1 घंटे का इंतजार किया हमने, उसके बाद में आप आए, आपका अच्छे से स्वागत किया। विशेष ये रहा कि आपने बिल्कुल पारिवारिक माहौल में उन सब चीजों को ग्रहण करके आगे का अपनी एक आत्मीयता का इंदौर का जो स्वाद है। क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, घर में मेहमान आए हैं, क्या यादें लेकर जाए? देखिए ये इंदौर की एक परंपरा है, आत्मीयता जिसको बोलते हैं, शायद वो विश्व प्रसिद्ध है, हम हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे, विश्व प्रसिद्ध है इंदौर की आत्मीयता। और उसी आत्मीयता की कड़ी में जब हमें यह मालूम पड़ा कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने एक आह्वान किया है इस उस पर, तो समाज के करीब 18 घरों ने आगे होके यह किया कि हम लोग हमारे घर में जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका हम आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम जब आपको हमारे बीच में पाकर बड़े प्रसन्नचित हैं कि हम इतने अच्छे रूप में, क्योंकि हे भारतीय बेस है, भारतीय संस्कृति का एक अरेंजमेंट है, और आपका जो फर्दर जो भी है एक इन्वेस्टमेंट के ट्रेक प्रोसेस के लिए जिसमें इंदौर को भी कहीं ना कहीं एक गति मिलेगी, हमारा ऐसा मानना है। और ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का जो एक सपना था उसी को साकार, क्योंकि ये कल्पना भी उनके पास से ही आगे आई थी। आज का मेन्यू क्या है और आगामी दिनों में क्या कुछ रहेगा, क्योंकि हमें इंदौर की खान पान, इंदौर की संस्कृति से भी रूबरू कराना है। बिल्कुल, आज तो वैसे मैम आए हैं इतनी जर्नी करके और हैवी उनका नाश्ता हो गया था, तो हमने बहुत सिंपल भोजन उनके लिए तैयार करवाया है, दाल राइस, पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा, भजिए और ये सब। और हम उन्हें वो 3-4 दिन जब यहाँ है जितने दिन भी, तो दाल बाफले, मक्की की वैरायटी, बाजरे का खिचड़ा, गेहूं का खिचड़ा, ये सब जरूर टेस्ट करवाएंगे। तो मतलब मालवा का पूरा भोजन, मालवा का पूरा मेन्यू मेहमान को देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, चखने को मिलेगा। और संस्कृति, भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति अतिथि सत्कार की है, भारतीय संस्कृति स्वागत की है, और वही इस प्रयास के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है। एक अच्छा माहौल, घर का माहौल देने की कोशिश की जा रही है। एक नया प्रयोग है होम स्टे का जो इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन में देखने को मिला है। कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, इंदौर। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन मुंबई केंद्र के उप महानिदेशक और कार्यालय प्रमुख क्षिप्रा मनस्विता ने मन की बात में मुंबई दूरदर्शन के सफाई कार्यों की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान 2.0 ने मुंबई दूरदर्शन में अवांछित सामग्री को साफ करने और जगह को व्यवस्थित करने में मदद की। इस दौरान दूरदर्शन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
मन की बात के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने INB मिनिस्ट्री के मुंबई स्थित कार्यालयों के स्वच्छता अभियान के दौरान किए गए कार्यों की सराहना की, जिसमें दूरदर्शन मुंबई का भी योगदान था। दूरदर्शन मुंबई आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है। 2 अक्टूबर 2022 से स्वच्छता अभियान 2.0 की शुरुआत की गई। इस दौरान दूरदर्शन मुंबई के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे परिसर की सफाई की गई। सारे लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अनवांटेड मटेरियल को डिस्कार्ड किया। जो पुराने हमारे पास फाइल्स थे उनको भी वीडिंग आउट प्रोसेस से डिस्कार्ड किया गया, जिसको श्रेडिंग के बाद डिस्पोज किया गया। हमारे केंद्र में जो इक्विपमेंट्स थे, जो पुराने इक्विपमेंट्स थे जिनको अभी जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको भी हम लोगों ने सेग्रीगेट किया और बाद में ऑक्शन किया। पूरे ऑक्शन प्रोसीजर से लगभग 22 लाख की आमदनी हुई। डिजिटाइजेशन के महत्व को समझते हुए हम लोगों ने 100 से ज़्यादा सर्विस बुक को डिजिटाइज किया। नवंबर के महीने में ऑनरेबल INB मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर का दूरदर्शन मुंबई में विजिट हुआ। इस दौरान हमें स्पेस ऑडिट करने के लिए कहा गया। उनके मार्गदर्शन में स्पेस ऑडिट किया गया और स्पेस को ऑर्गेनाइज करके हम लोग बहुमूल्य ऑफिस स्पेस फ्री कर पाए, जिसका आगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।